आखिर क्यों ये भोजपुरी स्टार्स अपनी पत्नियों को पार्टीज में लेकर नहीं जाते, तो इस बात का खुलासा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बॉलीवुड की हीरोइंस अक्सर अपनी पत्नियों के साथ या हीरो अपनी पत्नियों के साथ पार्टीज में जाते हैं, चाहे वो किसी फिल्म की लॉन्चिंग पार्टी हो या फिर किसी की बर्थडे पार्टी या फिर कैसी भी पार्टी हो, वो अक्सर अपनी पत्नियों के साथ पार्टीज में जाते हैं। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। यहाँ तो हीरो जल्दी अपनी पत्नियों को मीडिया के सामने भी नहीं लाते। भोजपुरी इंडस्ट्री के 3 सुपरस्टार खेसारी, पवन और निरहुआ। खेसारी लाल अपनी पत्नी चंदा देवी को मीडिया के सामने ले भी आते हैं, तो ये दोनों सुपरस्टार पवन और निरहुआ जल्दी अपनी पत्नियों को मीडिया के सामने नहीं लाते। पवन की पत्नी ज्योति की तस्वीरें तो सोशल मीडिया पर मिल जाती हैं या फिर ज्योति पवन सिंह के शूटिंग लोकेशन पर भी पहुंच जाती हैं। वहीं निरहुआ की पत्नी कहीं भी दिखाई नहीं देती। आज तक निरहुआ ने अपनी पत्नी को मीडिया के सामने लेकर नहीं आए हैं। भोजपुरी में भी बॉलीवुड की तरह आए दिन पार्टीज होती रहती हैं। हाल ही में अम्रपाली दुबे की बर्थडे पार्टी थी जिसमें सभी सुपरस्टार पहुंचे थे, लेकिन बिना अपने पत्नियों के। तो क्यों अपनी पत्नियों को ले जाना ठीक नहीं समझते ये सितारे? पहले भी मनोज तिवारी और रवि किशन अपनी पत्नियों को पार्टीज में लेकर नहीं जाते थे। अगर पार्टीज इनके घर पर भी होती थी फिर भी उनकी पत्नियां पार्टीज में दिखाई नहीं देती थी। जब इन सुपरस्टार से पूछा जाता था कि आप अपनी पत्नी के साथ क्यों नहीं आते पार्टीज में, तो उनका सिंपल सा जवाब होता था कि हम तो लाना चाहते हैं पर वो खुद मना करती हैं आने से, तो इसमें हमारी क्या गलती। चलिए मान लिया जाए कि निरहुआ और खेसारी की पत्नी गांव से हैं, वो कंफर्टेबल नहीं होती होंगी, पर पवन सिंह की पत्नी ज्योति तो भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइनों से कम नहीं है, लेकिन फिर भी पवन सिंह उनको अपनी पार्टीज में नहीं लेकर जाते हैं। अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी पत्नियों को पार्टी ले जाने का दौर नहीं चला है, ना ही इस चलन को किसी ने शुरू किया है। वैसे आप सबको क्या लगता है कि इन सुपरस्टार को अपनी पत्नियों को पार्टीज में लेके जाना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए सुरभि की रिपोर्ट।